तो आज की हमारे विनर ज्योति ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और वो बनाने वाली है हमारे लिए एक स्पेशल डिश, जेठालाल की फेवरेट डिश। तो गेस तो कर ही लिया होगा आपने। हाय। तो बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, हम लोग बनाने वाले हैं जलेबी फाफड़ा। वही है जेठालाल की फेवरेट डिश और जेठालाल जैसे ही हम लोग आज संडे की सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे जलेबी और फाफड़ा। ऐसे रब करते हुए आगे बढ़ना है और ये बीच से तो सबसे पहले बनाएंगे जलेबी का बैटर, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ऐड करेंगे 1/3 कप दही और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आपको जलेबी क्रिस्पी बनानी है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच राइस फ्लोर, ये ऑप्शनल है। अब बैटर में ऐड करेंगे फूड कलर, हमारे पास है केसर येलो। आपके पास फूड कलर नहीं है तो इसमें आप हल्दी भी डाल सकते हैं। अब बैटर को रख देते हैं साइड में और तब तक बना लेते हैं हमारी चाशनी। चाशनी के लिए हमने लिया है 1 कटोरी शक्कर, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी पानी, 1/2 इलायची पाउडर टेस्ट के लिए। चाशनी में आ चुका है बॉईल, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा फूड कलर, यहाँ पे हमने रख दिया है तेल गरम करने के लिए। आप जलेबी को घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑयल। पैन में तेल हो चुका है गरम, बनाना शुरू करते हैं हमारी जलेबी। तो बनने जा रही है हमारी पहली जलेबी। जलेबी हो चुकी है रेडी। इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा बादाम। वाव, नाइस जलेबी। अब बनाना शुरू करते हैं फाफड़ा, जिसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, थोड़ा हींग, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 2 पिंच बेकिंग पाउडर, 4 छोटे चम्मच ऑयल, 1/4 चम्मच। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेना है। ऑयल हो रहा है गरम, यहाँ पे डो हो चुका है रेडी और फाफड़ा बनाएंगे इस पे। इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। इस टाइप का एक शेप देंगे उसको,
और ऐसे उसके ऊपर रख के उसको पाम से धीरे धीरे प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। और ये बन गया बहुत ही बढ़िया फाफड़ा। अब इसको एक नाइफ की हेल्प से ऐसे निकाल लेंगे। और इसको कर देंगे फ्राई। और पहला फाफड़ा हो चुका है रेडी। बन रहा है हमारा दूसरा फाफड़ा। फर्स्ट टाइम बना रही है ज्योति, लेकिन ऐसे बना रही है जैसे वो फाफड़ा एक्सपर्ट हो। वाह खुशी, क्या है ये? जलेबी फाफड़ा। क्या है? जलेबी फाफड़ा। जलेबी फाफड़ा, यस। कैसे बनाती मम्मी फाफड़ा? तू फाफड़ा बनवाते क्या? ऋतिक रोशन से डांस करते है? वाव फाफड़ा। हाउ इज इट खुशी? हाउ इज द फाफड़ा? नाइस। श्रेया, आपको बनाना है फाफड़ा? नेक्स्ट फाफड़ा श्रेया बना रही है। नहीं, तो श्रेया ने बनाया है ऐसा वाला जिसको कि हम कर रहे हैं रिजेक्ट। ये फाफड़ा बनाने का तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं भी ट्राई करके देख रहा हूँ। तो मैंने लिया है कौन सी हाथ से? कोई भी हाथ से आपको कंफर्टेबल। तो पहले इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, इसको ऐसे रब करते हुए आगे बढ़ना है। और ये बीच से उसको ऐसे प्रेस करते हुए इसे आगे जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है लेकिन बन चुका है। इसको कट कर देंगे ऐसे, इसको निकाल देंगे और इसको ऐसे फाफड़ा को निकाल लेंगे। और ये बन गया है छोटा सा फाफड़ा। नॉर्मली इससे बड़ा बनाना है आपको। और इसको हम करेंगे फ्राई। जेठालाल की फेवरेट डिश जलेबी फाफड़ा हो चुकी है रेडी और हमारे हैं सामने। ट्राई करके देखते हैं कैसा बना है। सबसे पहले खाएंगे फाफड़ा। कैसा है फाफड़ा? वेरी नाइस। रिव्यू आया है खुशी का, वेरी नाइस फाफड़ा। अच्छा बना है। उसके साथ सानी मिर्ची, बढ़िया। जैसा एक स्वीट शॉप में मिलता है वैसे ही लग रहा है फाफड़ा और मिर्ची। अभी जलेबी ट्राई करके देखते हैं। क्रंची है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, 10 out of 10। खुशी बागा बॉय कैसे खड़े रहता है? और पोपटलाल क्या बोलता है? कैंसर कैंसर कैंसर। माधवी कैसे बोलती है? ओके बाय। भेड़े भाई गोली को कैसे बुलाते हैं? ए गोलिया।
बापूजी जेठालाल को क्या बोलते हैं? बापूजी। दया भाभी क्या बोलती है?